नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज का वीडियो इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे है और आज मैं दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। उसमें दोस्तों आरसीसीबी ही इंस्टॉल करूंगा मैं। आरसीसीबी इंस्टॉल करते टाइम दोस्तों जब ट्रिपिंग वाला प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब दोस्तों पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं। साथ ही दोस्तों मैं एमसीबी को शॉर्ट सर्किट करके टेस्ट करके दिखाऊंगा भी कि जो है शॉर्ट सर्किट में एमसीबी कैसे ट्रिप हो रहा है। नया वायरिंग करने के बाद दोस्तों ये जरूर चेक करना चाहिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं मेन बोर्ड का कनेक्शन मैं कर दिया हूँ, ठीक है। अभी चलिए सबसे पहले मैं मेन समझा देता हूँ कनेक्शन मैं इसका कैसे किया हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मेन इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो पोल से सप्लाई आ रहा है दोस्तों मीटर में, वो ये है। उसके बाद मीटर से जो आउटपुट हो रहा है वो ये है, ठीक है। मीटर से आउटपुट होके दोस्तों इसको मैं चेंज ओवर में दिया हूँ। ये देखिए ये चेंज ओवर दिखाई दे रहा है, ये 32 एम्पियर का चेंज ओवर है। आप जो है अपने लोड के अकॉर्डिंग जो है चेंज ओवर का चुनाव करेंगे। मैं अभी इसमें 32 एम्पियर लगाया हूँ। तो दोस्तों चेंज ओवर में ये देखिए यहाँ पे जो लीफ दोस्तों शॉर्ट दिखाई दे रहा है, पत्ती ऊपर से नीचे तक इसमें लोड कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला भी शॉर्ट है जिसमें रेड कलर का टेप लगा है, उसके बाद ये ब्लैक कलर का टेप लगा है, ये भी शॉर्ट है। तो ये जो शॉर्ट है दोस्तों ये लोड वाला है। यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट है, यहाँ पे फेज कनेक्ट है लोड वाला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो मीटर से सप्लाई आ रहा है मेन सप्लाई, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। ये देखिए ये फेज है और ये न्यूट्रल है। कभी भी दोस्तों किसी भी चेंज ओवर में ये जो है कहीं पे शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे जो शॉर्ट नहीं होता है उसी में जो है सप्लाई कनेक्ट होता है। तो ये इनपुट वाला फेज हो गया और ये इनपुट वाला न्यूट्रल हो गया और ये आउटपुट फेज हो गया, आउटपुट न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ऊपर मैं मेन सप्लाई कनेक्ट कर दिया हूँ। नीचे वाले हिस्से में आप दोस्तों यूपीएस या फिर जनरेटर किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों चेंज ओवर का कनेक्शन हो गया। उसके बाद दोस्तों चेंज ओवर से आउटपुट करने के बाद जो सप्लाई आ रहा है दोस्तों यहाँ पे मैं लाया हूँ, ये इंसुलेटर है डबल पोल का। सिंगल फेज सप्लाई में डबल पोल का ही लगता है। तो ये वाला फेज है, ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ इंसुलेटर में इनपुट हो रहा है, उसके बाद ये देखिए यहाँ से आउटपुट हो जा रहा है, ठीक है। तो आउटपुट वाला जो न्यूट्रल है दोस्तों यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये निकला है, ये वाला न्यूट्रल है। उसके बाद दोस्तों ये वाला फेज है, ये देखिए फेज को मैं दोस्तों यहाँ पे ये जो एमसीबी है इसमें मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे 5 एमसीबी है तो 5ों को इसमें मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। ये फेज सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो मेरा सर्किट आया है, सर्किट में 5 सर्किट है तो 5ों सर्किट का न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थ सबको मैं यहाँ डीबी में खींचा हूँ। 5 अर्थिंग दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो गया है और 5ों सर्किट का न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ मैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रहा है और 5ों का जो फेज सप्लाई है दोस्तों मैं एमसीबी में कनेक्ट कर दिया हूँ ये 5ों में, ठीक है। और अभी दोस्तों मैं इसमें आरसीसीबी लगाऊंगा। आरसीसीबी को इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इंसुलेटर में जो इनपुट सप्लाई आ रहा है इसको मैं यहाँ से हटा के सबसे पहले आरसीसीबी में दूंगा, उसके बाद वहाँ से आउटपुट करके फिर मैं ये इंसुलेटर में दूंगा, ठीक है। तो चलिए आरसीसीबी मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद आरसीसीबी को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा और शॉर्ट सर्किट को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेन बोर्ड दिखाई दे रहा है। नया वायरिंग होने के बाद दोस्तों मैं ये मेन डीबी का कनेक्शन कर दिया हूँ। इस घर में दोस्तों टोटल 5 सर्किट है और मैं 5 एमसीबी लगाया हूँ, 1 इंसुलेटर लगा हुआ है। और अभी आज मैं दोस्तों मैं ये ईएलसीबी लगाऊंगा इसमें मेन डीबी में। ईएलसीबी लगाने से दोस्तों इसका ये फायदा होता है कि कहीं भी घर के वायरिंग में अगर लीकेज हो या फिर किसी को शॉक लगता है तो ये तुरंत ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों वो ह्यूमन के लाइफ को बचाता है, उसको शॉक नहीं लगने देता है, घर में कहीं भी अर्थ लीकेज को नहीं फैलने देता है। इसको इंस्टॉल करते समय दोस्तों घर में अर्थिंग होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो जो भी लोड के बाद दोस्तों जो अर्थ लीकेज आएगा वो अर्थ लीकेज करंट दोस्तों वो इस ईएलसीबी में आएगा और ये बार बार ट्रिप होगा, ठीक है। और बार बार ट्रिप होने की वजह से मैं कई बार देखा हूँ कई लोग इसको निकलवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो है दोस्तों अर्थ लीकेज आ रहा है तो उसको अर्थिंग करवा के अर्थ लीकेज वोल्टेज को अर्थ में भेजना चाहिए और उसके बाद ये आरसीसीबी को सही करवा के उसको इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो इसका यही फायदा होता है दोस्तों, ये जो है शॉक लगने से बचाता है हमको। तो अभी दोस्तों आज मैं इसको मैं इस डीबी में लगाऊंगा, ठीक है। और साथ ही मैं शॉर्ट सर्किट करके भी आपको चेक करके दिखाऊंगा एमसीबी जो है ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नया वायरिंग करने के बाद दोस्तों मेन डीबी का जब आप कनेक्शन करते हैं एमसीबी लगाते टाइम तो जरूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों कनेक्शन एकदम सिंपल है, ये मेरे हाथ में आरसीसीबी है, ठीक है। आरसीसीबी में मैं आउटपुट वाले में 2 तार मैं कनेक्ट किया हूँ। यहाँ पे देखिए ये 6 स्क्वायर एमएम का रेड कलर का वायर है,
ठीक है। और ये जो है डबल किया हूँ मैं, और यहाँ पे ब्लैक वाला दोस्तों 2.5 स्क्वायर एमएम का है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे पहले से मैं ये इंसुलेटर में दिया हूँ, इंसुलेटर वाला इनपुट मैं यहाँ से निकाल लूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यहाँ चेंजओवर से आउटपुट सप्लाई आ रहा है, जो पहले यहाँ लगा था इंसुलेटर में, इसको मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं आरसीसीबी के इनपुट वाले टर्मिनल में लगाऊंगा। अब इसको मैं आरसीसीबी के इनपुट वाले टर्मिनल में लगाऊंगा। ये इनपुट वाला होता है नीचे वाला, और ऊपर वाला आउटपुट होता है। तो ये रेड वाला फेज है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। ये देखिए, ये फेज आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ सप्लाई इनपुट में भी और आउटपुट में भी। ठीक है, अब जो चेंजओवर से मेन सप्लाई आ रहा है, ये देखिए फ्लेक्सिबल पाइप में न्यूट्रल फेज, ये वाला, ठीक है, इसको मैं आरसीसीबी के इनपुट में दे दिया हूँ। और आउटपुट से जो निकल रहा है, इसको अब मैं ले जाके यहाँ पे इंसुलेटर में टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों फेज कनेक्ट होगा, पहले भी यहाँ पे फेज ही कनेक्ट था। ठीक है, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं करना है, चेंज करेंगे तो जो घर में इन्वर्टर लगा होगा दोस्तों, उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो अभी ये फेज वाला कनेक्ट हो गया, उसके बाद ये न्यूट्रल वाला मैं लगाऊंगा इसमें। तो दोस्तों अभी न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिया हूं मैं, अभी इसको मैं यहां पे लॉक करूंगा इस तरह से। अभी दोस्तों आरसीसीबी लग चुका है, ठीक है, सप्लाई को मैं ऑन करता हूं। ये देखिए चेंजओवर को ऑन कर दिया हूं मैं, अभी चेंजओवर से ऑन किया हूं तो आरसीसीबी के इनपुट में सप्लाई आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर को मैं बंद किया हूं, सबसे पहले आरसीसीबी को ऑन करके मैं देखता हूं। ये देखिए आरसीसीबी मेरा ऑन हो गया है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है आरसीसीबी जो है अर्थ लीकेज पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टेस्ट बटन दिया हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ भी है कि टेस्ट रेगुलर, यानी कि इसको आप रेगुलर भी चेक कर सकते हैं, या हफ्ते में चेक कर सकते हैं, या फिर मंथली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे ये ऑफ होता है, ऊपर ऑन होता है। तो अभी मैं ऑन कर दिया हूँ, और इसको पुश करने के बाद दोस्तों इसको ट्रिप होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्रिप हो रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं ट्रिप हो रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अभी इसको मैं पुश करता हूँ, ये देखिए मैं पुश किया हूँ, और ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर गया। ठीक है, यानी कि ये सही है, सही काम कर रहा है। तो चलिए इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ, और इसको दोस्तों रेगुलर चेक करते रहना आपको, हफ्ते में एक महीने में, वो आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं कि आपको कब चेक करना है। तो दोस्तों अभी आरसीसीबी को मैं चेक कर दिया हूँ, ये पुश करने पे ट्रिप हो रहा है, यानी कि ये सही तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब पांच सर्किट है यहाँ पे, मैं पांचों सर्किट का शॉर्ट सर्किट करके टेस्ट करूंगा कि ये एमसीबी काम कर रहा है सही ढंग से कि नहीं कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं फिर ये आरसीसीबी टेस्ट करूंगा अर्थ लीकेज सप्लाई देके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा एमसीबी मैं ऑन किया हूँ, जितना भी दिखाई दे रहा है, 5 एमसीबी प्लस इंसुलेटर और ये आरसीसीबी सब अभी इस टाइम ऑन है। चलिए अब मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा एक रूम में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा एक रूम है, और इस रूम की सभी लाइटें जो सीलिंग में मैं लगाया हूँ, ये देखिए पूरा लाइट वगैरह सब ऑन है। यहाँ पे पंखा भी चल रहा था, मैं बंद कर दिया हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इंडिकेटर जो है इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और बाकी ये सब कनेक्शन जो है, ये लाइट का और फैन का, ये इन्वर्टर से है। तो इन्वर्टर वाला मैं बाद में ट्रिप करके दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं इसका दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए शॉर्ट सर्किट मैं दोस्तों यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट दोस्तों इन्वर्टर से नहीं होता है। ये देखिए, ये इन्वर्टर कनेक्शन है इसमें, और इसमें पावर कनेक्शन है। ठीक है, तो इन्वर्टर में जब मैं लगाऊंगा तो इन्वर्टर का एमसीबी ट्रिप होगा,
और अभी मैं पावर में लगाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो एमसीबी तुरंत ट्रिप करना चाहिए, ठीक है। अगर तुरंत ट्रिप हुआ तो फिर एमसीबी सही है, और अगर नहीं ट्रिप हुआ तो खराब माना जाएगा। तो अभी यहाँ से दोस्तों मैं ट्रिप करूंगा, लेकिन इससे पहले देख लीजिए वहाँ पे सप्लाई ऑन है दोस्तों। ये देखिए ये बोर्ड में सप्लाई ऑन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इधर मैं इसको ट्रिप करूंगा। तो अब चलिए इसको मैं पुश करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इसको पुश किया हूँ यहाँ पे देखिए दोस्तों सप्लाई कट हो चुका है, ठीक है। ये एमसीबी जो है दोस्तों ट्रिप हो चुका है तुरंत। मैं एक बार फिर से ऑन करवाता हूँ, सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं इसको बंद कर दिया हूँ, अभी मैं दोबारा सप्लाई ऑन करवाऊंगा। दीपा ऑन करना। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई दोस्तों ऑन हो चुका है, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर ट्रिप करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पुश कर रहा हूँ इसको। ये देखिए जैसे ही पुश किया हूँ यहाँ पे तुरंत ये कट हो गया है, तो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया एमसीबी ट्रिपिंग का। एमसीबी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तुरंत ट्रिप हो जा रहा है। तो दोस्तों अभी देखा आपने, मैं एमसीबी को ट्रिप करके दिखाया हूँ। जैसे ही मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा था तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी दोस्तों अब मैं ट्रिप करके दिखाऊंगा आपको आरसीसीबी। जैसे ही मैं यहाँ पे आपसे लीकेज दूंगा इस वायर में तो आरसीसीबी ट्रिप होना चाहिए, ठीक है। और जो आरसीसीबी है दोस्तों वो शॉर्ट सर्किट पे नहीं ट्रिप होता है, आरसीसीबी जो है दोस्तों वो आर्क लीकेज पे ट्रिप होता है, ठीक है। और आरसीसीबी में दोस्तों अगर फेज में हम लगाते हैं, और आरसीसीबी को ट्रिप करवाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें फेज और न्यूट्रल होगा, तो फेज में तो वो तुरंत ट्रिप करेगा। जैसे ही हल्का सा अर्थ देंगे उसको 10 वोल्ट या 15 वोल्ट का तो भी वो ट्रिप कर जाएगा, लेकिन दोस्तों जब उसको न्यूट्रल में लगाते हैं तो न्यूट्रल में उसको ज्यादा अर्थिंग चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग चाहिए, तभी वो ट्रिप होगा। और ये आरसीसीबी जब आप इंस्टॉल करवा रहे हैं अपने घर में तो वहाँ पे अर्थिंग होना जरूरी होता है। अगर अर्थिंग नहीं रहेगा तो दोस्तों जो आपके घर का हैवी अप्लायंसेज होगा, वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ या फिर मोटर हुआ, वो सब दोस्तों अर्थ लीकेज छोड़ता है 10 वोल्ट का 15 वोल्ट का, तो उसी अर्थ लीकेज वोल्टेज को अर्थ में भेजना होता है। और अगर उस टाइम आपके घर में अर्थिंग नहीं होगा तो वो अर्थ लीकेज वोल्टेज जो है दोस्तों वो आरसीसीबी में जाएगा, और आरसीसीबी में जब जाएगा तो आरसीसीबी बार बार ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आपको ट्रिप करवा के दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक आइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे हाथ में एक वायर है ब्लैक कलर का, ठीक है, इसको मैं अभी लगाऊंगा इसमें। और ये जो बोर्ड है दोस्तों इसमें सप्लाई ऑन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें स्विच को ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए इसमें फेज सप्लाई आ रहा है, ये देखिए टेस्टर मेरा इंडिकेट हो रहा है, ये देखिए इसमें फेज सप्लाई आ रहा है, और यहाँ पे न्यूट्रल है दोस्तों। तो न्यूट्रल जो है दोस्तों वो इंडिकेट नहीं करता है। तो सबसे पहले चलिए मैं न्यूट्रल में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए न्यूट्रल में मैं लगा दिया हूँ, और इस स्विच को मैं ऑन रखा हूँ, ठीक है। और वायर का एक सिरा दोस्तों मेरे हाथ में है यहाँ पे, ये देखिए वायर का एक सिरा यहाँ पे है और दूसरा मैं उस बोर्ड में लगा दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे। चलिए अब इसको मैं अर्थ देता हूँ, देखता हूँ ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से लगा रहा हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस रूम में देखिए लाइट सब ऑन है, देखिए लाइट वगैरह सब ऑन है, यहाँ पे देखिए फैन भी ऑन है, देखिए फैन चलने लगा, ठीक है, ट्रिप नहीं हो रहा है। चलिए एक बार और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ट्रिप नहीं हो रहा है, पूरा सप्लाई ऑन है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसलिए नहीं ट्रिप हो रहा है क्योंकि इसको जो हैवी अर्थिंग नहीं मिल रहा है आरसीसीबी में, ठीक है। जब हैवी अर्थिंग मिलेगा तभी ये न्यूट्रल में ट्रिप करेगा, तो न्यूट्रल में तो नहीं ट्रिप हुआ। चलिए अब मैं फेज में लगा के देखता हूँ फेज में ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों इसको मैं फेज में लगा दिया हूँ, यहाँ पे स्विच भी ऑन है, यहाँ पे देखिए सप्लाई आ रहा है टेस्टर में, ये देखिए टेस्टर मेरा इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए इंडिकेट कर रहा है इसमें सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे रूम में लाइट और फैन भी ऑन है, ये देखिए फैन चल रहा है और लाइट भी चल रहा है। तो अब चलिए इसको मैं आपके लीकेज देख देखता हूँ ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें सप्लाई है, ये देखिए सप्लाई है, टेस्टर इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं अर्थ में टच किया हूँ तुरंत ये कट हो गया सप्लाई, आरसीसीबी मेरा ट्रिप हो गया है, ठीक है। ये देखिए लाइट इस रूम का कट हो गया है। चलिए मैं आरसीसीबी भी दिखा देता हूँ ट्रिप हो गया है। ये देखिए आरसीसीबी यहाँ पे ट्रिप हो गया है। चलिए इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं ऑन किया हूँ यहाँ से देखिए सप्लाई समान हो चुका है, पंखा चलने लगा, और उस रूम में भी सप्लाई ऑन हो गया है, ये देखिए देखिए फैन चल रहा है,
और वायर को ऐसे ही लगा हुआ छोड़ा हूँ मैं। चलिए एक बार मैं और चेक करूँगा इसको। सुनील पकड़ना, देखिए ये वायर है, ठीक है, इसको मैं एक बार और टच करता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं टच किया हूँ यहाँ पे सप्लाई कट हो चुका है। तो दोस्तों अभी देखा आपने, मैं शॉर्ट सर्किट को भी टेस्ट करके दिखाया हूँ, MCB ट्रिप हो रहा था। उसके बाद दोस्तों मैं RCCB को भी ट्रिप करवा के दिखाया हूँ। जैसे ही मैं अर्थ लीकेज में कनेक्ट कर रहा था तो RCCB तुरंत ट्रिप हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों, ये RCCB जो लगा हुआ है ये जो है अर्थ लीकेज को रोकता है, ठीक है। और जैसे ही किसी इंसान की बॉडी में शॉक लगता है तो ये तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। MCB शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग और RCCB की टेस्टिंग का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैं बताया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।